देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद पहुंची 5,08,953। कोरोना से संक्रमण के कारण देश में अब तक 15,685 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 2,95,881 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा तेजी से फैल रहा है कोरोना, केंद्र सरकार के पास नहीं है कोई प्लान, प्रधानमंत्री खामोश है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव का पता लगाने के लिए आज से दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की होगी शुरुआत। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा 20,000 लोगों में की जाएगी एंटीबॉडी की जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, कहा गोवा में कम्युनिस्ट ट्रांसमिशन हो गया है शुरू। गोवा में अब तक 1,039 है कोरोना संक्रमितों की संख्या। दोबारा स्कूल खोलने की योजना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने की उच्च स्तरीय बैठक, कहा 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ऑनलाइन और अभिभावकों की मदद से दोबारा शुरू होगी घर पर शैक्षिक गतिविधियां। उत्तर प्रदेश में 10वीं के छात्रों का इंतजार होगा खत्म। यूपी बोर्ड आज दोपहर 12:30 बजे 10वीं क्लास के रिजल्ट की करेगा घोषणा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uprizult.nic.in पर किया जाएगा घोषित। कोरोना की वजह से रिजल्ट आने में हुई देरी। वंदे भारत मिशन के लिए विदेशों से भारतीयों की वापसी जारी। अब पेरिस से भारतीयों को लेकर कोचीन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में दूसरे देशों में फंस गए थे भारतीय। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को हराने के लिए बन सकता है नया मोर्चा। चुनाव के लिए नया मोर्चा बनाने को आगे आए यशवंत सिंह। महागठबंधन में पहले से ही चल रही हैं तल्खियां। लद्दाख में संचार व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी। एलएसी के पास स्थित गाँव में लगेगा मोबाइल टावर। लद्दाख में भारतीय सेना चीन की हर चाल का जवाब देने को है तैयार। चीन में भारत के राजदूत की खरी खरी। बीजिंग तय कर ले संबंधों को किधर ले जाना चाहता है। एलएसी पर नए निर्माण कार्य भी बंद करे चीन, यथा स्थिति बदलने की कोशिश ना करे चीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के करीब। मरने वालों की संख्या 4,95,000 पहुंची। तेजी से बढ़ रही है कोरोना वायरस की रफ्तार। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर लगाए वीजा प्रतिबंध। हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर उठाया एक्शन। चीन ने जताया विरोध, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाएंगे कड़े कदम। सहारा रेगिस्तान की धूल अमेरिका पहुंचने को तैयार। तय कर चुकी है 5,000 मील का सफर। इससे विशाल अमेरिकी क्षेत्र में संभावित रूप से उठ सकता है बड़ा तूफान। वैज्ञानिकों ने कहा धूल स्वास्थ्य सेवा पर भी डाल सकती है असर। पाकिस्तान में भी तेल के दाम बढ़ने से मचा हाहाकार। पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए प्रति लीटर के पार। एक ही बार में 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई दर्ज। इंग्लैंड दौरे के लिए रविवार को लंदन पहुंचेगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि, कहा दर्शकों के बिना खेले जाएंगे 3 टेस्ट और 3 T20 मैच। दौरे से पहले सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। प्रोविडेंट फंड की दरों में कटौती कर सकती है सरकार। 2019-20 के लिए 8.1% हो सकता है पीएफ पर ब्याज। करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। ईपीएफओ जल्द ही श्रम मंत्रालय के साथ मामले पर करेगा बैठक। छोटे शहरों में खुदरा बिक्री प्री कोविड के 70% तक पहुंची। राजस्व में गिरावट का अनुमान। वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में किया खुलासा, कहा लॉकडाउन में ढील के बाद भी ग्राहकों की संख्या रही बेहद कम। लॉकडाउन में 90% बढ़ा साइबर क्राइम। लोगों ने गवाए लाखों रुपए। दिल्ली में डेबिट क्रेडिट कार्ड ई वॉलेट से संबंधित कॉलिंग के जरिए और इंटरनेट बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े अपराध में हुई बढ़ोतरी। चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना मुश्किल। भारतीय स्टार्टअप्स में है चीन का दबदबा। निवेश 12 गुना बढ़कर $4.6 अरब पर पहुंचा। डाटा विश्लेषण फर्म ग्लोबल डाटा के मुताबिक 2016 में सिर्फ $38.1 करोड़ था निवेश। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 21वें दिन वृद्धि। आज पेट्रोल 25 पैसे महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 80 रुपए 38 पैसे, तो डीजल के लिए 80 रुपए 40 पैसे।